अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान किशनगंज थाना पुलिस ने देर रात कार्यवाही को अंजाम देते हुए डंपर को जब्त किया है। मामले की जानकारी देते हुए किशनगंज थाना प्रभारी रवीश सामरिया ने बताया कि 18 सितंबर की रात्रि को पुष्कर से अजमेर चौपाटी की तरफ आ रहे ट्रक को पुलिस की गश्त ने देखा तो वह मौके से भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान वैशाली नगर पान की दुकान के नजदीक डंपर खाली कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ट्रक के कागजात को देखते हुए चालक व मालिक का पता लगाया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। देखिए, अवैध खनन के खिलाफ थाना किशनगंज द्वारा कार्रवाई की गई थी। एक डंपर था जो रीजनल कॉलेज की तरफ से पुरानी चौपाटी की तरफ आ रहा था, उसको रास्ते में पुलिस दल के द्वारा रोका गया था। उसने रोका नहीं और पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया। उसके बाद उसने गुप्तापान भंडार के पास उस डंपर को खाली कर दिया और चालक मौके से फरार हो गया। इस तरीके से हमने उस डंपर जो रेत से भरा हुआ था उसको हमने जब्त किया है। उसके चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मालिक से उससे अनुसंधान किया जाएगा कि डंपर का उस वक्त कौन चला रहा था और आगे कार्रवाई की जाएगी। नाम वाम कुछ सामने आया सर? अभी गाड़ी नंबर है, उससे हम वाहन मालिक को नोटिस देंगे। प्रकरण हमने दर्ज कर लिया, उसका अनुसंधान जारी। ये MMRD एक्ट के तहत किया जाता है कार्रवाई, 379 और MMRD एक्ट। सर, पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों पे उसने धक्का या ऐसा कोई हमला कर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाथ का इशारा देने के बावजूद भी वहाँ मौके से फरार हो गया और डंपर को खाली करने की कोशिश की उसने। उसका डंपर का जो डाला था उसको पीछे की तरफ से बटन दबा करके उसने ऑन कर दिया, जिससे वो पूरा ऊपर हो गया और बजरी उसमें से खाली हो गई, जिसका वीडियो भी घटनास्थल पर बनाया गया।